To all my dear friends, Flight Commandant Mr. Arav Sethi, कल हवा में उड़ने जा रहे हैं। अरे वो सब तुम लोग छोड़ो, आज मैं ना तुम सबको आरओ से ज्यादा उड़ाऊंगा आसमान में। वो पता है? वो भी सातवें आसमान। अरे पर पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? ओ माले। ए रणवीर, रणवीर उठ ना। अरे डैड का फोन आ रहा है, निकलते हैं ऐसे फटाफट। आ रहा उठ यार, डैड का फोन आ रहा है। ये प्रियंका कहाँ गई? प्रियंका बेड पे सो रही होगी ना। मैडम को पर्सनल रूम जो चाहिए, मैं देखती हूँ। कितनी पिला दी तूने यार, हैंगओवर हो गया। प्रियंका! करण! आरव! प्रियंका? 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 प्रियंका! 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 राजू ने मारा। खुशी भाई, ये तो एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। इसने कैसे किया होगा यार? प्रियंका मर चुकी है, ये तेरे लिए नॉर्मल है। अबे भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ यार, पीछे का बैक डोर बंद था और हम सब तो हॉल में थे ना, तो फिर राजू कैसे मार सकता है उसे? भाई यार हम सब नशे में थे, कल घर को भी कोई उठा के लेके जाता ना तब भी हमें कुछ पता नहीं चलता। भैया जी चाय। तू तो अभी नीचे था ना, पानी दे रहा था। चाय बना के रखी थी भैया जी, मैं आपके उठने का इंतजार कर रहा था। चाय रख और जा। या जी कल रात को आपने खाना भी नहीं खाया, आप कहें तो मंगा दूं पास के होटल से। तुझे बोला ना जाए यहाँ से, समझ में नहीं आता। जी भैया। गाइस गाइस सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। कल रात को हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था, करेक्ट? मतलब साफ है कि खाली पेट में सबने ड्रग्स ली। प्रियंका को किसी ने नहीं मारा, प्रियंका ओवरडोज से मरी है, दैट्स इट। अच्छा मुझे तो नहीं हुआ, खुशी को तो नहीं हुआ? आरो तू ना कुछ ज्यादा सोच रहा है, फालतू का दिमाग मत लगा यार। क्यों तू ऐसा बोल क्यों रहा है कि ओवरडोज से मरी है? इसका मतलब साले तूने ही किया। तू पागल हो गया क्या? तभी राजू को बोल रहा है, कल मेरे को बोल रहा है। तूने तो नहीं किया ना? तूने किया। तू चुप रह, समझ में आ गया? तूने किया, चला चिल्लाना बंद करो यार। तुम दोनों राजू सुन लेगा तो फंस जाएंगे हम लोग। गाइस गाइस
प्रियंका के डैडी का फोन आ रहा है। शिट। खुशी तू फोन उठा और बोल कि प्रियंका रात को निकल गए यहाँ से। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसी रही पार्टी? अंकल पार्टी अच्छी रही। बेटा प्रियंका कहाँ है? उसका फोन ही लग रहा। अंकल वो प्रियंका गई। वो तो रात ही घर चली गई थी। क्या रात में चली गई थी? मगर उसने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ रुकने वाली है। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो खुद अभी घर जा रही हूँ। अच्छा, उसने कुछ बोला कि कहाँ जा रही है? नहीं अंकल, कुछ नहीं बताया था। ठीक है बेटा, अब क्या करें? अब तो अंकल से भी झूठ बोल दिया। पुलिस को बुलाओ। भाई पागल हो गया तू? हाँ हम सब फंसेंगे। भाई ड्रग्स लिया मैंने, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा पायलट की ट्रेनिंग से। मैं क्यों, तुम सब फंसोगे। भाई तेरे फार्म हाउस पे पार्टी हुई है समझा तू, तो सब फंसेंगे। इनफैक्ट सबका करियर बर्बाद हो जाएगा यार। क्या करें, मर गई है प्रियंका, क्या बताएंगे उसके घर वाले? अबे कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई मुझे तो जेल जाना नहीं है। तू खुशी तू जाना चाहती है, तू जाना चाहता है, तू जाना चाहता है। नहीं ना, समझना यार। अरे भैया जा रहे हो क्या? वो कल वाले मैडम जी दिखाई नहीं दे रहे। अबे तू बहुत बोलता है, अपने काम से काम रख। अरे छोड़ना यार, क्यों बेचारे को डांट रहा है? वो क्या है ना राजू भैया, प्रियंका को रात को कुछ काम आ गया था तो उसके लिए जाना पड़ा। आप एक काम करो, मेरे लिए ना एक सिगरेट का डिब्बिया ले आओ और जो बचे ना कुछ खा लेना। जी भैया। बिना खामा खा यार, क्या है? ये जंगल, लाश को यही ठिकाने लगाते हैं, इसी जंगल में सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है खुशी, जा तू देख। चल 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 चल, आराम से उठा, आराम से। रुको रुको रुको, कोई आना, बंद करो बंद करो। चल 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 चल, खुशी। अरे यार मुझे लगता है इस लाश को भी यहाँ ठिकाने लगा पाएंगे, इतना ट्रैफिक है। यार मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। नहीं नहीं यार, गाड़ी मुझे घर लेके जाना पड़ेगा, पापा के फोन आ रहे हैं। पर लाश है यार इसमें। अरे वो सब छोड़ यार, वो सब बाद में देख लेंगे। अधीश्वर तू संभाल लेगा? सब संभालूंगा, अभी फटाफट यहाँ से चलते यार। चल 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 चलो फास्ट। किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। सर ये रहा मेरी बेटी प्रियंका का फोटो। प्रियंका किसी और के घर जा सकती है, कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड? नहीं सर, मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को फोन करके पता किया लेकिन वो किसी भी फ्रेंड के घर नहीं गई। ठीक है, प्रियंका का नंबर दीजिए और उसकी दोस्त खुशी का पता बताइए, हमें उससे पूछताछ करनी होगी। जी सर, प्रियंका का मोबाइल नंबर है
सर याद नहीं, मगर प्रियंका रात पार्टी में 2 बजे तक हमारे साथ थी, उसके बाद वो पार्टी से निकल गई थी। हाँ लेकिन वो घर नहीं पहुंची है, तो उसका फोन बंद आ रहा है। सर वो तो मुझे नहीं पता, मगर वो घर जाने का ही बोल के निकली थी, कह रही थी कि उसे कुछ काम है मॉर्निंग में। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कहाँ पार्टी कर रहे थे तुम लोग? वो सब डिवाइन क्लब। ये लड़की कुछ छुपा रही है प्रमोद, डिवाइन क्लब जाके पता करो इसके सच में कितना झूठ छुपा है। सर करण, ये क्या हरकत है? दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी ब्रेक नहीं लगते तो? सॉरी बाबा, लेकिन मुझे अर्जेंट कार चाहिए थी। कल ही तो गाड़ी लेके गए थे तुम। बाबा वो आरव को कुछ सामान लेना है ट्रेनिंग में जाने से पहले, तो उसकी गाड़ी का क्या हुआ? पापा उसकी गाड़ी गैराज में है, अगर गैराज में नहीं होती मुझसे क्यों मांगता? अब मुझे चाबी दीजिए। आरव करण, खुशी और रणबीर भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। ओके, घर पे पुलिस आई थी, प्रियंका के बारे में पूछ रही थी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग डिवाइन क्लब गए थे। और अब पुलिस वहां जाएगी तब? कुछ नहीं होगा, अगर सच को छुपाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। खुशी सुन, मैं ना तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना, ठीक है? ठीक है आरव। लेकिन भाई कार का क्या करें, डेड बॉडी से बदबू आने लग गई है। देख हम ज्यादा देर हाइड नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम लोग हाईवे में मिलो, कुछ करते हैं। ठीक है गाइस, सुनो कुछ भी हो जाए लाइन पर रहना, ठीक है? हाँ ओके, चलो बाय बाय। सर आप बिल्कुल सही थे, ये लड़की खुशी झूठ बोल रही, ये लोग तो डिवाइन क्लब गए ही नहीं थे, मैंने पूरी रात सीसीटीवी फुटेज देखा है। खुशी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। एक काम करो प्रमोद, प्रियंका के फोन की लास्ट कॉल डिटेल निकालो, पता करो ये लोग कल रात कहाँ थे। सर सर मैं आ रहा हूँ, उस दिन प्रियंका और खुशी के साथ मैं भी पार्टी में था। पार्टी में? किस पार्टी में? डिवाइन क्लब वाली पार्टी, वहां तो तुम लोग गए ही नहीं थे। सर उसी के बारे में बात करनी थी। ठीक है बैठो। तो तुमने इसलिए झूठ बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड के सीक्रेट पार्टी के बारे में ना पता चल। जी सर, पापा से डिवाइन क्लब पार्टी के बारे में ही बोलकर निकली थी मैं। तुमने कहा था कि प्रियंका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अब कह रही हो कि करण उसका बॉयफ्रेंड है। सर वो पापा के सामने बात कैसे बोलती कि हम सब लोग करण के फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। ये बात कितनी सच है कि प्रियंका रात में ही निकल गई थी फार्म हाउस से? सर पूरी सच है। सर प्रियंका ने बोला कि मुझे मॉर्निंग में कुछ काम है। सर हम सब ने उसको रोका कि अभी बहुत लेट हो गया, लेकिन सर वो चली गई। कहाँ गई, क्या काम था, कुछ नहीं बताया। सर कोई गवाही दे सकता है इसके बारे में? सर फार्म हाउस का केयर टेकर राजू, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं कि हम सब लोग कल रात वहीं थे। क्या नाम बताया? राजू। अब हम लोग बॉडी को यहाँ ढंग कर सकते हैं? करण तू पागल हो गया क्या? चलती रोड है ये, अगर किसी को पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं हो। क्या हुआ, किसका कॉल है? आरव। करण तुम दोनों फार्म हाउस पे आ जाओ।
फार्म हाउस, लेकिन क्यों? वो पुलिस राजू से मिलना चाहती है। क्या हुआ? वो पुलिस आ रही है फार्म हाउस। क्या हुआ? क्या वो सब छोड़, चल चल जल्दी चल। मैं यही सो रहा था साहब। मैडम कब निकली मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो गेट किसने बंद किया, खोला किसने? फिर मेरा यकीन कीजिए साहब, अगर मुझे पता होता कि मैडम बाहर निकली है तो फिर मैं भैया लोगों से क्यों पूछता कि मैडम कहाँ है। बहाना पहले से ही तैयार है। सब आपने बुलाया था हमें? तुम करण हो? सब मैं करण हूं। कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सर कल रात तो वो हम सब के साथ थी, फिर वो घर चली गई और मुझे खुशी ने बताया कि वो गायब है। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ कल रात को तुम लोग थे। सर उधर आइए। जयराम यार, बोटा और खाने पीने की चीज छोड़ के सब साफ करना है। पुलिस को कुछ भी नहीं पकड़ में आना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने ड्रग्स लिए। ठीक है चल साफ कर चल। अबे कर क्या रहा तू? यहाँ हम सब सफाई करते हो तू सिगरेट फूंक रहा है। पागल है क्या? राजू ने ना मेरे लिए सिगरेट लाई थी। अगर पुलिस को वोट और राख ना मिली ना तो उन्हें लग जाएगा कि हमने साफ सफाई की है। चल 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 कर तू जल्दी। सर हम यहीं पे पार्टी कर रहे थे। कुछ ज्यादा खुशी नहीं मना रहे थे तुम लोग अपने दोस्त के सिलेक्शन पे? कल रात तुम सब कहाँ थे जब प्रियंका यहाँ से निकली? सर वो हम सब तो हॉल में सो रहे थे। प्रमोद घर का एक राउंड लगाओ। सर धर्म ठीक है देखो आसपास। ऐसा क्या काम था प्रियंका को जो इतनी लेट नाइट अकेले चली गई? सर उसे कुछ बताया नहीं। बताया नहीं मतलब? तो बॉयफ्रेंड हो उसके, तुम्हें तो बताया होगा। झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं सर हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कुछ बदबू आ रही है क्या? साहब वो पीछे की तरफ जंगल है, वहाँ आए दिन कोई ना कोई जानवर मरता रहता है, शायद उसी की आ रही है। सही कह रहे सर, पीछे जंगल है। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। जब तक प्रियंका वापस ना जाए या मिल ना जाए तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। जी सर। जी सर। प्रियंका की कॉल डिटेल आ गई और मोबाइल ऑफ होने का टाइम भी रात को 3 बजे का है। और लास्ट लोकेशन? सर ये फार्म हाउस वाला एरिया ही है। कोई फोन आया था रात में लड़की के फोन पर? नहीं सर रात में तो नहीं, लास्ट कॉल 8 बजे तक का ही है, वो भी खुशी ने किया था। कमाल है, ना घर में किसी को बोला, ना दोस्तों से कोई बात की, ना फोन पे कोई कॉल आया। अचानक से ऐसा कौन सा काम आ गया? हम सच कह रहे हैं, प्रियंका ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। फोन ऑफ करके फार्म हाउस पे
बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गई, जैसे पहले से कोई प्लानिंग। मतलब सर? मतलब कोई बॉयफ्रेंड था उसका जिसके साथ वो भागने की प्लानिंग करके बैठी थी, क्योंकि दोस्तों को तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं सर, प्यार करती थी वो मुझसे, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। देखो, अगर अब भी कुछ पता हो तो बता दो। प्रियंका अकेले निकली थी फार्म हाउस से, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। सर, अगर प्रियंका के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो राजू ने किया होगा। क्यों, राजू क्यों करेगा ऐसा? तू ये क्या कर रहा है? मैडम मैं वो बस हिस्सा। मैं क्या कर रहा है? ये देखो, मैं वॉशरूम में थी और ये अंदर झांक रहा था। करण भैया ने बोला था मैं बिस्तर ठीक करने आया था और मैडम को लगा कि मैं इनको देखने आया। क्या खुशी, सही कह रहा है, मैंने इसे बेड सही करने को भेजा था। अब राजू चलो तुम बाहर जाओ। अरे जब वो कह रही है कि झांक रहा था तो झांक रहा होगा ना, तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो। ठीक है, मैं कल उसे बात करता हूँ ना। हाँ अभी क्यों तुम लोग पार्टी का मूड ऑफ कर रहे हो? चलो गाइस, चलो शेयर पार्टी एंजॉय करते हैं। पहले क्यों नहीं बताया ये? सर मैं तो कह रही थी इन सबसे कि राजू ने ही कुछ किया है, वो कल मैं घूर भी रहा था पर इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब नहीं सर, मुझे लगा कि शायद इसको गलत फहमी हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि। सोचना हमारा काम, तुम्हारा काम है बताना। अब भी कुछ मालूम है तो बता दो, प्रियंका को ढूंढने में आसानी होगी। साहब मैं सुमन को देखने गया था साहब। अब ये सुमन कौन है? साहब गांव की लड़की है साहब, उस रात करण भैया बिना बताए फार्म हाउस पे आ गए थे और सुमन मेरे साथ ही थी तब। देखो कितनी अच्छी फोटो आई हमारी। हा? मेरी जान बहुत मन करता है तुमसे मिलने का, तुम्हें ना रोज आ जाया करो। अरे वो बापू ना नाराज होता है, वो तो आज शादी में गया था तो मैं आ गई। बापू को रोज शादी में भेज दिया करो, तुम आओगी ना तो हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे यार। ए, उठ, तू निकल, करण भैया आ गए, तू निकल। लेकिन कहाँ निकलू, गेट पे तो वो होंगे ना। तू जहाँ जगह मिले छुप जा, मैं उनको निपटा के आता हूँ ना। साहब मुझे लगा करण भैया थोड़ी बहुत देर में चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं और सुमन बेडरूम की अलमारी में फंसी रही। मैं उसी को देखने गया था जब खुशी ने हमको पकड़ा था। सच बोल रहे हो ना, हम सुमन से भी पूछताछ करेंगे। हाँ साहब, सुमन से आप जरूर बात करें साहब, उसी ने मुझे बताया था कि उस रात कमरे में कोई जोड़ा था। क्या? हाँ साहब, उसने कहा वो देख तो नहीं पाई कौन था, लेकिन उसने जोड़े की आवाज सुनी थी। साहब उस रात में कवर्ड में थी जब बाहर से मुझे किसी लड़के लड़की की आवाज सुनाई थी। अरे क्या कर रहे हो यार, कोई आ जाएगा तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसे भी सब नशे में धुन है। बहुत दिनों बाद मौका मिला, आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, जाने नहीं दूंगा आज से। मतलब उनमें से ही कोई था जो करण के साथ आए थे? साहब मुझे तो सिर्फ आवाज आई थी, वो भी बहुत धीमे धीमे। साहब अगर वो करण साहब के दोस्त होते तो वो ऐसे धीमे धीमे क्यों बात करते? जिससे प्यार करते थे तुम उसे जंगल में सड़ने के लिए छोड़ आए, अच्छा नहीं किया, भुगतोगे और नहीं भुगतना है तो कीमत चुकानी होगी। रणवीर, हेलो रणवीर, ये क्या गेम खेल रहा है तू? मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या गेम खेल रहा हूँ मैं? क्या मैसेज किया मैंने? क्या भुगतूंगा मैं? अकेला था क्या मैं? ये मैसेज तेरे पास भी है यार? ये मैसेज तो मेरे पास भी है। क्या? कि प्रियंका की बॉडी को तुम लोगों ने डंप करके बहुत गलत किया है। मतलब आरो और खुशी को भी ये मैसेज आया होगा?
ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि ये कर कौन रहा है। मैं जानता हूँ कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? तेरा नौकर राजू, वही था ना उस दिन फार्म हाउस पे, वो सब जानता है, बस ना जानने का नाटक कर रहा है। सड़क को छोड़ूंगा नहीं आज मैं। आरव, अबे छोड़िए, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं यार। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? और अगर ये मैसेज राजू नहीं कर रहा होगा तो तू गुस्से में जाएगा और जाके बक देगा और वो जाके पुलिस को बकेगा। वाह, तो कौन कर रहा है मैसेज यार? किसने किया बता? वो आदमी जो उस रात प्रियंका के साथ था। ये प्रियंका का नाम क्यों ले रहा है? कोई नहीं था उसके साथ। देख यार करण, मैं जानता हूं कि तू प्रियंका से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन फैक्ट यही है कि उस रात प्रियंका के साथ कोई था। अगर तुझे इसमें अपना इमोशन घुसाना है ना तो घुसा, लेकिन सच यही है कि जो भी कोई था ना प्रियंका के साथ, मर्डर भी उसी ने किया, ब्लैकमेल भी वही कर रहा है, ये सच है। तो अब करना क्या है? तो वही करेगा जो ब्लैकमेल कर रहा है। अरे यार, मैं तुम लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये काम करते पुलिस स्टेशन चलते, पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते। यार गर्लफ्रेंड थी वो मेरी। अबे तुम लोगों के भी दोस्त थी, जंगली जानवर उसे नोच के खा रहे होंगे। सर नहीं है वो वहां पे, और हम सब यहां बैठ के खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे। परसों तक 10 लाख रुपए, जगह और टाइम उसी दिन बताऊंगा। अब बोल, अब क्या करें? कहां से लाएंगे 10 लाख रुपए? करण बस कर यार, अपना गुस्सा हम सब पर मत निकाल, और हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था, तो अब पीछे क्यों हट रहा है तू? अरे यार हम सब फंस गए हैं, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? एक तरफ पुलिस है और एक तरफ ब्लैकमेलर। और करण तू ना चिंता मत कर, कल सुबह तक ना प्रियंका की लाश मिल जाएगी पुलिस को, आई प्रॉमिस। क्या करेगा तू? पुलिस के पास जाएगा यार? अबे साले हम सब फंस जाएंगे। अरे यार वो सब छोड़, पहले हमें 10 लाख रुपए का इंतजाम करना है, बाकी सब तुम मेरे पे छोड़ दे, सब मैं सब संभाल लूंगा। मोबाइल मिला सर, किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, प्रियंका की ही लाश है सर। मतलब ये फॉर्म हाउस से निकली और रास्ते में इसका मर्डर हो गया। एक काम करो प्रमोद, जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर हैं उनको उठाओ, रैंडम मर्डर हो सकता है और रेप भी। मोबाइल को टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजो और इसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर जा रहा हूं। पैसे का इंतजाम तो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लो, अभी एक दिन और है तुम लोगों के पास। यार कल तक ब्लैकमेलर को 10 लाख रुपए दे दे, और अगर नहीं दिया ना तो पुलिस स्टेशन जाएगा, जेल तो जाना ही है। यार आरव, यार तू कितने पैसे का जुगाड़ कर सकता है? करण यार मेरे से खूब होगा तो 50 या 60 हजार, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा यार। यार मैं हद से ज्यादा 1 लाख रुपए कर सकता हूँ बस। और क्या गारंटी है कि वो पैसे लेके बाद में मुंह नहीं खोलेगा? यार करण कम से कम सोचने तो दे, सोच तो रहे हैं ना। किसी को कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं ले आऊंगी, कम से कम इस झंझट से छुटकारा तो मिलेगा। तू कहां से लाएगी इतने सारे पैसे? वो पापा ने अभी 3 फ्लैट बेचे हैं, उनका पैसा घर में ही रखा है, उसी में से ले आऊंगी।
और घर में क्या बोलेगी? कुछ भी बोल दूंगी यार, कम से कम आपका जेल तो नहीं भेजेंगे। भाई मैसेज है, रणवीर को बैग लेकर ब्रिज के पास भेजो। ब्रिज? तू जा, जा जा, तू जा, ये ले। डर मत जाना, चल चल। बैग को ब्रिज पर रख दो। लगता है उसके फोन पर कोई मैसेज आया। क्या हुआ? भाई मैसेज आया था, उसने बोला था ब्रिज पे पैसे रखने को, मैंने रख दिया। कोई दिख नहीं रहा, थोड़ा वेट करते। वो देख भाई, सर मौत 3 बजे के बाद हुई है और गला दबाने से हुई है। रेप? नहीं सर, रेप नहीं हुआ। रेप नहीं हुआ है, मोबाइल भी चोरी नहीं हुआ है, मतलब रैंडम किलर की थ्योरी निकाल दो प्रमोद। जिसने भी ये मर्डर किया है उसके पास वजह थी प्रियंका को मारने की, 100% प्रियंका का जानने वाला ही था। मे बी वो लड़का जो उस रात उस रूम में था प्रियंका के साथ। सर खबर आइए कि एक लाश मिली है। लाश? सर बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया। सर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले प्रियंका का मर्डर हुआ, फिर उसके दोस्त रणवीर का। अब भी कोई शक है कि दोनों मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं? सर लग तो यही रहा है कि दोनों मर्डर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? हम साबित नहीं करेंगे, कातिल खुद साबित करेगा। बस थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्यों मारा रणवीर को? सर मैं क्यों मारूंगा, वो भी मेरे दोस्त को? हो सकता है किसी ने बेवकूफ बनाया हो तुम्हें। सर मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा और क्यों? पता है ये क्या है? क्या है ये? ये प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हमें पता चला है कि उसका अफेयर चल रहा था किसी और के साथ। सर उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। इतना विश्वास था तुम्हें प्रियंका पे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है मरने से पहले प्रियंका फिजिकल हुई थी और पोस्टमार्टम में सीमेन के ट्रेसेस मिले हमें। जानते हो किससे मैच करते हैं?
आरव, आरव के साथ अफेयर चल रहा था तुम्हारी प्रियंका का, और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा था, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और हम आरव का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ कि हम उसे गिरफ्तार कर सके। बोलेगा क्या हुआ था उस रात? साले तू इसलिए पुलिस के पास जाने से रोक रहा है कि तेरा राज खुल जाएगा। मैं कौन सा राज? क्या बोल रहा है तू? क्या कर रहा है तू? करण क्या हुआ कुछ बताओगे भी? इसका अफेयर चल रहा था प्रियंका के साथ। इसे ने मारा है उसे, और हम सब इसकी बातें सुनते रहे, ये नहीं करते वो नहीं करते, बॉडी को यहाँ नहीं फेंकते, पुलिस स्टेशन नहीं जाते, करियर खराब हो जाएगा। साले अपना झूठ छुपाने के लिए तूने अपने साथ हम सबको भी क्रिमिनल बना दिया। अबे क्या बकवास कर रहा है यार तू? प्रियंका के साथ अफेयर? अबे पागल हो गए? हो गया मैं पागल? हो गया हूँ, और मेरे साथ साथ पुलिस भी पागल हो गई है। प्रियंका की बॉडी में तेरा स्पर्म मिला उन्हें। मैं क्या बोले जा रहा है यार? मां कसम खा रहा हूं प्रियंका के साथ मेरा अफेयर नहीं था। पुलिस वालों की चाल हम दोनों को तोड़ने के लिए कि हम सब सच कबूल कर ले। अबे झूठ बोलना बंद कर। सही पकड़ा है, अगर पहले पकड़ लेते तो तुम्हारा सच सामने नहीं आता। लेट हो गए तुम लोग हमारी चाल को पहचानने में। तो तुम तीनों प्रियंका की मौत के जिम्मेदार हो। सर, हमारा प्रियंका की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना है? रणबीर का, उसी ने मारा था प्रियंका को। अरे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सब नशे में धुन है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर कोई देखेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत दिनों बाद मौका मिला, आज तो नहीं छोड़ूंगा। तुम? I'm so sorry. तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझे छुआ? रुको, मैं अभी जाकर करण को बताती हूँ। लिसन, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, मुझे उसको बताओ ना। तो लिसन, चिल्ला करण पर, चिल्ला, चिल्ला ना। करण चिल्लाएगी, करण, करण, चुप। ऐसा हुआ था किसने बताया? दोनों तो मर चुके हैं। रणबीर ने खुद मरने से पहले। उसे क्यों मारा? क्योंकि वो एक नंबर का कमीना आदमी था। उसने प्रियंका की जान ली और हमें पुलिस के पास ना जाने के लिए मजबूर किया, और जब हमने उसकी लाश फेंक दी तो उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सर, रणबीर की फैमिली फाइनेंशियली वीक थी, और जब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई तो मुझे रणबीर पे डाउट हुआ कि उसी ने प्रियंका को मारा है, और वही हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। उसके बाद हम सब ने मिलकर प्लानिंग की। मुझे पूरा डाउट है रणबीर ही है इन सब के पीछे। और अगर ऐसा है तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? ज्यादा डालना पड़ेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि उसकी असलियत को सामने लाने के लिए हम उसे पैसे देंगे, और जब पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे तो हम अपना जाल फेंकेंगे। अब खुशी देखो, उसकी लाइव लोकेशन आ रही है। हाँ, लोकेशन आ रही है, सीधा ही जाना है हाईवे पे। लोकेशन मतलब? क्योंकि मैंने उसके बैग में फोन डाला था। अरे वाह खुशी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। तनवीर ने दाना चुग लिया, और उसने चलाकी से अपने पार्टनर को मैसेज करने की कोशिश की। अरे हसन के साहब, दोस्त होके दोस्तों के साथ दगाबाजी, मुझे शर्म नहीं आई। हाँ क्यों कह रही है? ऐसी नहीं, बिन अबे साले रुक रुक।
तुझे शर्म नहीं आई? तो के पास मैं पैसे की लालच में आ गया। पैसे की लालच में आया तो सारे और वो बाइकर सर, उसे रणबीर ने पैसे देके बैग लेकर भागने के लिए बुलाया था, और जब रणबीर मर गया तब हमने रणबीर के ही फोन से कॉल कर सारे पैसे वापस ले लिए। कमाल है, एक छोटी सी गलती को छुपाने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अपने दोस्त को लावारिश की तरह जंगल में छोड़ा है, अब तुम तीनों पे मर्डर के चार्ज लगेंगे। उसने प्रियंका को जान से मारा था और हमें सजा देनी थी जो हमने दे दी। सजा देने का हक पुलिस को नहीं, कोर्ट में बैठे जज को है, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। यह केस इस बात का बेहद ही सशक्त उदाहरण। नशे में रणवीर ने किसी लड़की को हासिल करने की चाह में और उसमें असफल होने पर उसने प्रियंका की हत्या कर दी। होश में आने पर उसने अपने अपराध को छुपाने के लिए झूठ का एक जाल बना जिसमें रणवीर ने अपने दोस्तों को ही फंसा दिया। मगर इसमें दोष सिर्फ रणवीर का नहीं था, आरव, खुशी और करण खुद जिम्मेदार थे अपने निर्णय के लिए। एक जिम्मेदार नागरिक, एक झूठ और नशे ने 5 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी जिनका एक बेहद ही सुनहरा भविष्य हो सकता था। इसलिए सारे देश के नौजवानों से मेरी अपील है कि नशा ना करें। कुछ समय का मजा आपके और आपके परिवार के लिए सजा बन सकता है। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए पूरे देश में तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद। तू सावधान, तू सावधान।